चार वायर नीचे लगे हुए हैं, ये कॉमन है S1 S2 S3 दिखाएगा किलोमीटर से अगर आप चेक करेंगे तो। मैं आप लोगों के हमेशा कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ और कोशिश करता हूँ जो आप लोगों ने कमेंट किया उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वायरिंग के बारे में, जो कंट्रोल वायरिंग जो होती है हमारे चिलर के या किसी भी HVAC सिस्टम में, जो टर्मिनल बॉक्स होता है कंप्रेसर का, चाहे वो स्क्रू कंप्रेसर हो चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, किसी भी कंप्रेसर में आप लोग देखेंगे तो एक टर्मिनल बॉक्स होता है। टर्मिनल बॉक्स के अंदर बहुत सारी वायरिंगें होती हैं, तो उसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, ताकि जो हमारे भाई काम सीखते हैं या काम सीखना चाहते हैं, या जो भाई हमारे काम करते हैं या जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, चाहे वो HVAC का इंटरव्यू हो, चिलर का इंटरव्यू हो, तो ऐसे क्वेश्चन उन लोगों से पूछ सकते हैं। और नॉलेज के लिए बहुत काम की वीडियो है, इसलिए सबके लिए काम की वीडियो है। आप लोग सब इसको लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्या पता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी मैं फिर बताता हूँ, ये यॉर्क का चिलर है, एयर कूल्ड चिलर है और इसके अंदर जो कंडेंसर है वो माइक्रो चैनल नहीं है। इसके अंदर जो कॉपर के हमारे कंडेंसर है और इसके अंदर कंडेंसर फैन लगे हुए हैं और कूलर लगा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को सबसे पहले लेके चलता हूँ कंप्रेसर की तरफ और कंप्रेसर दिखाता हूँ आप लोगों को कि कंप्रेसर के अंदर जो टर्मिनल बॉक्स है उसके अंदर वायरिंग कैसी है और क्या क्या वायर हम लोगों को कहाँ कहाँ लगाना है और सेफ्टी फीचर्स क्या है। और हम लोग अभी अंदर की तरफ जाते हैं कंप्रेसर की तरफ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या वायरिंग दी हुई है। और ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि पूरा नजर आ जाए, क्योंकि जगह कम अंदर होती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम इसमें होती है। इसको मैंने कवर खोल दिया इसका, तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं इसको हमने ओपन कर दिया है। इसका जो टर्मिनल बॉक्स है कंप्रेसर का, इसको हमने ओपन कर दिया है। आप लोगों को मैं अब इधर से भी थोड़ा दिखा देता हूँ, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि चिलर के अंदर हूँ मैं। तो आप लोग जो ये बोर्ड देख रहे हैं, ये सप्रेशन बोर्ड है यहाँ पे लगा हुआ और यहाँ पे मोटर प्रोटेक्टर है। मोटर प्रोटेक्टर आप लोग जानते होंगे, ये सेफ्टी डिवाइस होता है, जो हमारा स्टेटर होता है, वाइंडिंग होता है, उसके अंदर जो सेंसर लगे हुए होते हैं उससे ये ऑपरेट होता है, ताकि अगर कभी आपका वाइंडिंग में कुछ इशू है, स्टेटर में कुछ इशू है, तो यहाँ से ये कट कर देता है। तो इसमें आप लोग ये देख रहे होंगे, ये जैसे चार वायर नीचे लगे हुए हैं, ये कॉमन है S1 S2 S3। ये S1 S2 S3 जो होता है ये सेंसिंग करके यहाँ से फीडबैक इसको देता है मोटर प्रोटेक्टर को कि सब कुछ अंदर में ठीक है, तब ये ऑपरेट होता है। इसको देने के चलाने के लिए मोटर प्रोटेक्टर को एक न्यूट्रल फेस मिलता है और एक जो लूपिंग होती है वायर की, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये क्या होगा, लूपिंग नहीं देगा। अगर सेंसर नीचे सही सेंस नहीं करेगा तो यहाँ से ये सप्लाई आगे नहीं देगा, जिसके कारण कंप्रेसर नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा जो सेफ्टी जो हमारा डिवाइस है वो मोटर प्रोटेक्टर होता है कंप्रेसर के लिए। और ये जो आप लोग देख रहे हैं सस्पेंशन बोर्ड, इसका क्या काम है ये भी आप लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये हमारा जो कंप्रेसर का लोडर होता है, अनलोडर होता है, उसको भी ऑपरेट करता है। और जो लिक्विड लाइन होता है, जो लिक्विड लाइन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वहाँ देखिए ये कंडेंसर के बाहर का जो पॉइंट होता है, जो फिल्टर होता है, ड्रायर फिल्टर, उसको लिक्विड लाइन बोला जाता है। तो उधर का जो सोलोनाइट कॉइल होता है उसको भी ये सोलोनाइट कॉइल को यहाँ से ऑपरेट करता है, लोडर को ऑपरेट करता है। और जो ऑयल हीटर होता है, जिसको क्रैंक केस हीटर बोलते हैं, उसको उधर लगा हुआ है, उसको भी ये ऑपरेट करने का काम ये करता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि ये, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ फिर भी, यहाँ से जो एक वायर ये निकल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायर निकल रहा है, यहाँ लगा हुआ है और ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए, ये ऑयल हीटर के अंदर जा रहा है, क्रैंक केस हीटर के अंदर जा रहा है। और ये दो जो लोडिंग के वायर है, लोडिंग अनलोडिंग के, यहाँ से आ रहे हैं और यहाँ पे ये इसके अंदर जा रहे हैं। तो लोडिंग अनलोडिंग का भी कर रहे हैं और यहाँ इसका भी कर रहे हैं। और ये जो मोटर प्रोटेक्टर होता है, इसमें एक और सेफ्टी होता है, ये जो डिस्चार्ज का जो हमारा ये हाई प्रेशर स्विच होता है उससे भी ये कनेक्टेड होता है, ताकि अगर हाई प्रेशर भी होगा तो कंप्रेसर को सेफ्टी के लिए ये बंद कर देता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा नजदीक से दिखाऊंगा क्योंकि ऊपर से ये आपको लाइटिंग सही नजर नहीं आएगी, ये कंप्रेसर के अंदर वायरिंग ये कैसे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये नजदीक से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे तीन वायर आप लोगों को दिखाई दे रहा है उस तरफ और तीन वायर इस तरफ, मतलब इस तरफ में तीन वायर, उस तरफ में तीन वायर। तो इस कंप्रेसर में जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है या जहाँ पे भी दो कॉन्ट्रेक्टर यूज किए जाते हैं, वो अक्सर पार्ट वाइंडिंग होता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। तो पार्ट वाइंडिंग में क्या होता है कि ये दो वाइंडिंग के अलग अलग आपको जो रीडिंग है वो दिखाएगा किलोमीटर से अगर आप चेक करेंगे तो
एक वाइंडिंग का वायर उधर लगा हुआ है, एक वाइंडिंग का वायर इधर लगा हुआ है। इसमें जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो पहले एक कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है, फिर दूसरा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है, कुछ सेकंड्स का उसमें फासला होता है। तो इस तरीके से ये स्टार्ट होता है। तो इसमें वायर जो होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नंबर वाइज होता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ये जैसे ये एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और इधर 7, 8, 9 ऐसे होगा। तो ये कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं कि जब इसके अंदर हम लोग खोलते हैं, कंप्रेसर को ओपन करते हैं या इसका वाइंडिंग ओपन करते हैं, वाइंडिंग रिपेयर कराते हैं, स्टेटर भेजते हैं बनाने के लिए, उस टाइम में नीचे में नंबर हमारा लिखा हुआ होता है और ये आपस में ही इसका रीडिंग बताएगा। किलोमीटर से आप चेक करेंगे तो आपस में बताएगा, इसके साथ वो नहीं बताएगा। तो उधर से हमको नंबर अंदर से मिला लेना है, इधर से बाहर से मिला लेना है, मतलब इस साइड का भी अंदर से मिला लेना है। उसके बाद बाहर में जो हम लोग कभी भी खोलते हैं तो उस पर मार्किंग कर लेना चाहिए। वैसे अक्सर क्या होता है कि कंपनियां इस पे जब बनाती हैं तो इस पे नंबर डाल के रखती है, मतलब इस पे नंबर लिखा होगा, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और इधर 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर ऐसे लिखा होता है। उस पे हम लोग अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग मास्किंग टेप लगा के उसको क्या करेंगे कि मार्कर से उस पे नोट कर देंगे ताकि हमको याद रहे लगाने के टाइम में। उसके बाद हम लोग फिर उसको लगाने के टाइम में नंबर वाइज हम लोग जितना नंबर नीचे लगाया उतना नंबर ऊपर भी लगाना है। इसमें नजदीक से मैं दिखाता हूँ, ये देखिए दो वायर है यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये दो इधर है और दो इधर लगे हुए हैं, इस साइड में दो तार लगे हुए हैं। तो चार तार मैंने आपको टोटल दिखाया था, जिसमें एक कॉमन है और तीन जो है वो सेंसर के हैं। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को नीचे दिखाया था ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।